अल्फा बीटा बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक्सटेंड रूट ऑफ द इक्वेशन। कभी भी आपको कोई इक्वेशन दी हो और कभी अल्फा पावर कोई बड़े नंबर पूछे, कभी भी, तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि दो इक्वेशन को आप लोग थोड़ा दिमाग में बिठा लो। अगर इक्वेशन ये हो तो इसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो सॉरी इसके रूट होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये आप बिठा लीजिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से निकले। और अगर ये इक्वेशन दी हो कभी भी तो इसके रूट होते हैं माइनस ओमेगा और बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ये याद रखोगे तो आपका बहुत टाइम बचेगा, कई जगह ये कंसेप्ट डायरेक्टली यूज होते हैं। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब अगर देखें और ध्यान रखिएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है जीरो एंड ओमेगा क्यूब होता है हमेशा याद रखिए वन, इसलिए ओमेगा पावर थ्री एन हो तो वन थ्री एन प्लस वन हो, ये छोटी छोटी चीजें रिवाइज भी करते चलो, थ्री एन प्लस टू हो देन दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप बताइए मुझे कि एक तरह से आपको यहां पर ऐसा दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन ये वाला है, तो आपको क्या क्या मिल गया बोलो, माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 107। एक चीज बताइए, अगर नेगेटिव की पावर ऑड हो तो बाहर एक नेगेटिव मिलता है, तो आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते थे, माइनस बाहर लिख दो जिससे मिस्टेक ना, ओमेगा की पावर 101 ओमेगा स्क्वायर की पावर 107, इसको ऐड करो तो 2, तो इसका रिमाइंडर आया कितना, ओमेगा स्क्वायर 2, और इसको ऐड करो तो 8 2 16, तो इसका 1 तो ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, तो करेक्ट आंसर इज 1। थोड़ा केयरफुल रहना है इसमें, नहीं तो -1 भी लगा सकते थे।